इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमारी तेज और आप देख रहे हैं तेज इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। प्राइमरी गोल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, वो क्या है? मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना। मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, जो भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज करना। मैक्सिमाइजिंग वाटर यूसेज, वाटर यूज को मैक्सिमाइज करना। या एक्सपेंडिंग मोनोकल्चर फार्मिंग, जो मोनोकल्चर फार्मिंग है उसको एक्सपेंड करना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है पड़ रहा है वो उसको मिनिमाइज करना। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच फार्मिंग सिस्टम फार्मिंग प्रैक्टिस एम्स टू मेंटेन सॉयल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट इरोजन। कौन सा फार्मिंग सिस्टम है जो कि सॉयल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है बाय प्रिवेंटिंग सॉयल इरोजन? नो टिल फार्मिंग, जहां पर कोई भी टिलिंग नहीं की जाती, टिलेज नहीं किया जाता है। मोनोकल्चर फार्मिंग, पेस्टिसाइड इंटेंसिव फार्मिंग, मीन्स जो पेस्टिसाइड है उसमें वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है। या ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग मतलब जो भी जानवर हैं वो, जो भी हमारा फॉडर है, चारा है, उसको चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फार्मिंग प्रैक्टिस विच एम मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट इरोजन इज नो टिल फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो क्रॉप रोटेशन का मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, ग्रोइंग द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, सेम क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर ग्रो करना। या कल्टीवेटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप है उनको कल्टीवेट करना। अल्टरनेटिंग डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम लैंड ओवर टाइम, अल्टरनेटिंग डिफरेंट क्रॉप, जो मीन्स क्रॉप्स हैं उनको अल्टरनेट पीरियड में कल्टीवेट करना सेम लैंड में। या यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एक्सक्लूसिवली, ठीक है, जो भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उनका एक्सक्लूसिवली यूज करना। ठीक है, तो की प्रिंसिपल क्रॉप रोटेशन क्या है? क्या है कि अल्टरनेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड ओवर टाइम। इस ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्रेंड्स, फार्मिंग सिस्टम पर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पर पहले भी एमसीक्यूज बन चुके हैं, वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एग्रोनॉमी जो हमारा प्लेलिस्ट है, एग्रोनॉमी क्रॉप्स करके रहेगा, वहाँ आप लोग सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या फार्मिंग सिस्टम का आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो भी वीडियोज़ हैं वो आ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर फोर, विच फार्मिंग टेक्निक यूजेज नेचुरल प्रेडेटर्स एंड पेस्ट ऑफ पेस्ट टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। ठीक है, कौन सा फार्मिंग है जो कि नेचुरल प्रेडेटर्स का यूज़ करती है? मीन्स जो प्रेडेटर्स मतलब ऐसे ऑर्गन जो कि अपने जो भी इंसेक्ट या जो भी होते हैं पेस्ट होते हैं उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा टेक्निक है जो कि नेचुरल प्रेडेटर्स का यूज़ करती है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या मोनोकल्चर फार्मिंग। ठीक है, तो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यूज नेचुरल प्रेडेटर्स ऑफ पेस्ट टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज एग्रोफॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है? ग्रोइंग क्रॉप्स एक्सक्लूसिवली इन वाटर, क्रॉप्स को एक्सक्लूसिवली वाटर में ग्रो करना। इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक, जो भी ट्रीज है उनको लाइफ स्टॉक के साथ ग्रो करना। और यूजिंग ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है सिर्फ उनका यूज़ करना। या प्लांटिंग क्रॉप्स विदाउट द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बिना फर्टिलाइजर के यूज़ किए हुए क्रॉप्स को प्लांट करना। ठीक है, तो एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है? इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद क्रॉप्स और लाइव स्टॉक, मीन ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? क्रॉप्स का लाइव स्टॉक के साथ ग्रोइंग करना क्या कहलाता है? एग्रोफॉरेस्ट्री। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज नॉट कंसिडर एज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, कौन सी प्रैक्टिस है जो कि नहीं कंसिडर की जाती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर? क्रॉप रोटेशन, एग्रोकेमिकल यूज विदाउट लिमिटेशन, कंपोस्टिंग, या वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सिक्स का? ऑप्शन नंबर बी, एग्रोकेमिकल यूज विदाउट लिमिटेशन। हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में केमिकल का यूज़ नहीं करते या बहुत थोड़ा बहुत करते हैं। तो एग्रोकेमिकल यूज विदाउट लिमिटेशन इज नॉट अ प्रैक्टिस विच इज कंसिडर्ड अंडर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर क्रॉपिंग। जो कवर क्रॉपिंग हम लोग करते हैं उसका पर्पज मेन क्या होता है? टू सेल द क्रॉप फॉर प्रॉफिट, क्रॉप को प्रॉफिट के लिए सेल करना। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इरोजन एंड इम्प्रूव फर्टिलिटी, जो भी क्रॉप्स है उसको इरोजन से प्रिवेंट करना, या और उसकी जो सॉयल फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करना। टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी ऑन द फार्म, जो भी बायोडाइवर्सिटी है फार्म पर उसको रिड्यूस करना।
ठीक है, टू ग्रो कैश क्रॉप ईयर राउंड, ठीक है, जो भी कैश क्रॉप है उसको ईयर राउंड हर साल उगाना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉट इज द पर्पज ऑफ कवर क्रॉपिंग, टू प्रोटेक्ट द सॉयल फ्रॉम इरोजन एंड इम्प्रूव फर्टिलिटी, ठीक है, कोई भी क्रॉप है उसको, सॉयल है उसको इरोजन से प्रिवेंट करना और उसकी जो फर्टिलिटी है सॉयल की उसको इम्प्रूव करना, ये किसका फंक्शन हो जाएगा, कवर क्रॉपिंग का। देन क्वेश्चन नंबर 8, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एम्स टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन, ठीक है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो किससे किसके बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन रखता है, इकोनॉमिक वायबिलिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल इक्विटी, हाई केमिकल इनपुट एंड लो प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्टिंग क्रॉप्स एंड इम्पोर्टिंग फूड, या लार्ज स्केल मोनोकल्चर एंड डाइवर्स क्रॉप कल्टिवेशन, ठीक है, तो किसके बीच में जो बैलेंस मेंटेन रखता है, इकोनॉमिक वायबिलिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल इक्विटी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स, पेड PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 7905601596, ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट की पेड PDF चाहिए तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा PDF जो रहेगी वो पेड रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं कोशिश करूँगा कि आपको अवेलेबल हो जाए, तो अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में हैं तो सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट की नहीं मिल पाएगी, बट अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, अगर हमारे पास होगी तो हम आपको प्रोवाइड वो चीज़ करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच फार्मिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन प्रॉक्सिमिटी टू क्रिएट म्यूचुअली बेनिफिशियल इन्वायरमेंट, ठीक है, कौन सी प्रैक्टिस है जहाँ पर हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, टू क्रिएट म्यूचुअली बेनिफिशियल इन्वायरमेंट, ताकि एक बेनिफिशियल इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड हो सके, पॉलीकल्चर, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या सिंथेटिक पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, या डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, पॉलीकल्चर, ठीक है, पॉली मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हो गई, वैरायटीज़ हो गई, काफ़ी, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो क्या, दो से ज़्यादा चीज़ें तो पॉली कहलाएगा, ठीक है, तो डिफरेंट क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पॉली कल्चर। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी फोकस क्या है, सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट का, मैक्सिमाइजिंग लाइफ स्टॉक डेंसिटी को मैक्सिमाइज करना, प्रोवाइडिंग एम्पल एंटीबायोटिक टू लाइफ स्टॉक, ठीक है, एक लार्ज अमाउंट, एम्पल मतलब जितनी उसकी ज़रूरत है उसको उतना प्रोवाइड करना एंटीबायोटिक लाइफ स्टॉक को, मिनिमाइजिंग ग्रीन हाउस गैस एंड इमिशन फ्रॉम लाइफ स्टॉक, जो भी ग्रीन हाउस गैस है इमिशन लाइफ स्टॉक से उसको क्या करना है, उसको कम करना, रिड्यूस करना, या यूजिंग हार्मोन ट्रीटमेंट टू इंक्रीज लाइफ स्टॉक साइज, ठीक है, हार्मोन ट्रीटमेंट का यूज़ करके लाइफ स्टॉक का जो साइज़ है उसको इंक्रीज करना, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम लाइफ स्टॉक, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सिस्टम दैट यूजेज मिनिमल और नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है, कौन टर्म यूज़ करेंगे जहाँ पर हम लोग मिनिमल मतलब एकदम लेस अमाउंट में या कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, या बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पर मिनिमल लिखा है, ठीक है, हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब टोटली 100% फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड नहीं होता है, वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, टोटली इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर से रिलेटेड कुछ होते केमिकल्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर मिनिमल जो यूज़ होता है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का, बट 100% क्या होता है, ऑर्गेनिक नहीं होती कुछ, तो वो भी ऑर्गेनिक अंदर आते हैं, ठीक है, तो मिनिमल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर और सिंथेटिक फर्टिलाइजर वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनमें से कौन है जो कि बेनिफिट नहीं है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, इंप्रूव्ड सॉयल हेल्थ हमारी इंप्रूव होती है, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस्ड होती है, ठीक है, लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस है वो कम इमिशन होता है, इन्हेंस्ड इकोसिस्टम जो सर्विसेज है वो इन्हेंस होती है, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूछा कि कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती है, बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि नहीं है, तो मतलब रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स विदाउट द यूज ऑफ सॉयल, ठीक है, कौन सा फार्मिंग सिस्टम है जो कि क्रॉप को ग्रो करता है विदाउट सॉयल, बिना सॉयल एक्वापोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं हम लोग,
जो भी एनिमल्स होते हैं या फिशेज हो गई, प्रॉन्स हो गए, उन सी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट नहीं, कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। देन परमाकल्चर, ऑर्गेनिक कल्चर को बोलते हैं पॉलीकल्चर, ठीक है। तो पूछा कि विदाउट द यूज़ ऑफ सॉइल हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए, सॉरी बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ फार्मिंग फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑन प्रोड्यूसिंग हाई ईल्ड्स यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। कौन सा फार्मिंग सिस्टम है जो कि लेस अमाउंट ऑफ लैंड पे हाई ईल्ड को प्रोड्यूस करता है या यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स पे हाई ईल्ड प्रोड्यूस करता है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। तो देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लैंड की जरूरत काफ़ी ज़्यादा रहती है और लिमिटेड यूज करके आप जो भी क्रॉप है उसको कल्टिवेट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। स्लैश एंड बर्न में भी यही चीज़ है। तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर यूजेस लिमिटेड रिसोर्स एंड प्रोड्यूस हाई ईल्ड, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिल्डिंग टेरेसेस ऑन हिल साइट्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। मेन पर्पज क्या होता है टेरेस का बनाना एग्रीकल्चर में, जो कि हिल एरियाज है वहाँ पर हम लोग टेरेस बनाते हैं, तो वहाँ पर टेरेस का मेन पर्पज क्या है, टू इंक्रीज द इरोजन, जो वाटर इरोजन होता है क्योंकि स्लोप्स हैं तो स्लोप पर वाटर इरोजन ज़्यादा होगा उसको इंक्रीज करना, टू डिक्रीज द वाटर रन ऑफ क्योंकि इरोजन ज़्यादा होता है तो रन ऑफ भी होगा उसको डिक्रीज करना, टू प्रमोट मोनोकल्चर फार्मिंग या टू क्रिएट ऑब्स्टिकल फॉर वाइल्ड, ऑब्स्टिकल मतलब बीच में जो रुकावट है उसको क्रिएट करना वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। तो डिक्रीज वाटर रन ऑफ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, टू डिक्रीज वाटर रन ऑफ। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनमें से कौन है जो कि एग्जाम्पल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशन का, GMO सर्टिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सर्टिफाइड, ठीक है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, मोनोकल्चर अप्रूव्ड या सिंथेटिक पेस्टिसाइड वेरीफाइड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।